वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम डलगोना आइसक्रीम बनाएंगे जो अभी बहुत चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका आज मैं एक वीडियो बनाऊं। ये सभी को बहुत ही पसंद आती है, बहुत ही क्रीमी और फ्लफी आइसक्रीम हमारी बनी है। ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी आइसक्रीम हमारी जमकर तैयार हुई है। आप ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जो है कॉफ़ी पाउडर लिया है, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है। अब इसमें हम 2.5 बड़े चम्मच जो है शक्कर डालेंगे। जिस चम्मच से आप नाप लें उसी चम्मच से ही हमें इसका नाप लेना है। तो मैं 2.5 बड़े चम्मच इसमें शक्कर ऐड करूँगी। अब इसमें हमें 3 बड़े चम्मच जो है गर्म पानी ऐड करना है, 3 टेबल स्पून। तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और एक बार जो है हम इसको हिला लेंगे। इसको हमें इस तरह चलाना है लगातार जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। यदि आपके पास ये विस्कर नहीं है तो आप फोक से भी कर सकते हैं, फोक नहीं है तो आप चम्मच से भी इसको हिला सकते हैं, लेकिन उसे करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरह हम इसको लगातार चलाते जाएंगे तो इसका देखिए कलर भी चेंज हो रहा है। इसको करने में हमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। आप चाहे तो बीच में रुक रुक के भी कर सकते हैं। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक हमें इसको चलाते रहना है। आप देख सकते हैं बैटर जो है हमारा कितना गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है। इसको करते हमें 2 से 3 मिनट ही हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा है। तो जिस रेशो से मैंने आपको बताया था उसी रेशो से यदि आप करेंगे तो आपका जो बैटर है बहुत ही अच्छा व्हिप होएगा। अभी हमें इसको और फेंटना है इसी तरह। ये देखिए इस तरह का हमें इसको व्हिप करना है, बिल्कुल गाढ़ा, ये बिल्कुल भी जो है गिरना नहीं चाहिए। इस तरह हमें इसको व्हिप करना है। हाथ से करने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। कॉफी को हमने व्हिप्ड कर लिया है। अब एक हमने बड़ा बाउल लिया है, इसमें 1 कप जो है हमने क्रीम डाली है। आप चाहे तो अमूल की क्रीम भी ले सकते हैं। जो कॉफी हमने व्हिप्ड की थी वो भी इसमें हम डाल देते हैं। और अच्छी तरह से हम इनको मिक्स करेंगे, लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि जो है थोड़ी ये थिक नहीं हो जाती है। यदि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, उसमें टाइम कम लगता है। इस वाले प्रोसेस में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। बैटर हमारा थिक हो गया है और कलर भी थोड़ा लाइट हो गया, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे हम फेंटेंगे तो बैटर जो है गाढ़ा होता जाएगा। इस तरह हमें इसको गाढ़ा ही रखना है। ये देखिए अब बैटर में हमें शक्कर मिलानी है क्योंकि अभी तो बैटर जो है फीका ही है, तो फीकी आइसक्रीम तो अच्छी लगती नहीं है। तो अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। तो 1/2 कप इसमें हम शक्कर मिला लेते हैं और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट अभी इसको हमें और फेंटना है। शक्कर जो है आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है आइसक्रीम जमाने के लिए। ये देखिए इतना हमें थिक रखना है। तो चलिए अब हम आइसक्रीम जमा लेते हैं। आइसक्रीम जमाने के लिए आप कोई सा भी बाउल ले सकते हैं। बैटर को मैं इसमें फिल करूंगी। तो बैटर को हमने अच्छे से फिल कर दिया है। थोड़े से हम इस पर लगा देंगे चोको चिप्स। ये होममेड चोको चिप्स है, मैंने घर पे ही बनाए हैं। यदि आप जानना चाहते हैं, इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। आइसक्रीम को अब हम ढककर रख देते हैं और 7 से 8 घंटे के लिए हमें इसको फ्रीजर में जमाना है। आइसक्रीम हमारी जमकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम हमारी जमकर तैयार हुई है। अब हम सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आइसक्रीम हमारी जमी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। आइसक्रीम को हमने सर्व कर लिया है। अब चॉकलेट सिरप से हम इसकी गार्निश करेंगे। तो मैंने चॉकलेट सिरप भी लगा दिया है। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।